हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज, सेक्टर 6 फ्लाई। और आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस वो होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी नेटवर्क को बना सकते हैं, उसमें डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस देखते हैं, वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लोग NIC के नाम से भी जानते हैं। इन द लिस्ट ऑफ द नेटवर्किंग डिवाइसेस, NIC स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट प्लेस। विदाउट दिस डिवाइसेस नेटवर्किंग कैन नॉट बी डन। दिस इज ऑल्सो नोन एज द नेटवर्क अडेप्टर कार्ड, इथरनेट कार्ड एंड लैन कार्ड। NIC अलाउज ए नेटवर्किंग डिवाइस टू कम्युनिकेट विद द अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस। हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, जिसको हम लोग इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, साथ में लैन कार्ड भी हम लोग इसको बोलते हैं। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक नेटवर्क से हम लोग दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कर सके, एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस में हम लोग कम्युनिकेट कर सके, दोनों का आपस में कनेक्ट कर पाए, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ किया जाता है। NIC कन्वर्ट्स द डेटा पैकेट्स बिटवीन टू डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजीज। ए PC यूजेस पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन द इंटरनल पार्ट्स, वाइल द मीडिया दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट PCs यूज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। NIC कन्वर्ट करता है डेटा पैकेट्स को पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू, वो अपने इंटरनल पार्ट्स में डेटा को सेंड करेगा, और जो मीडिया जिससे कोई भी एक नेटवर्क कनेक्ट है, मीन्स वायरलेस मीडिया हो या फिर वायर्ड मीडिया हो, ठीक है, वहाँ पर यूज़ किया जाता है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। NIC कन्वर्ट्स पैरेलल डेटा स्ट्रीम इंटू द सीरियल डेटा स्ट्रीम एंड द सीरियल डेटा स्ट्रीम इंटू द पैरेलल डेटा स्ट्रीम। आगे एक डायग्राम दिया हुआ है, हम लोग इसे समझते हैं। ये हमारा एक PC है, जिसमें जो भी यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा वो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन होगा, मीन्स PC और ये NIC के बीच में, मीन्स इसके अंदर पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिजिटल डेटा को का आदान प्रदान किया जाता है PC और NIC पे। जब हम लोग नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे सीरियल डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। ये जो पोर्शन है, ये वाला, यहाँ पे हमारा एक्चुअल मीडिया होता है, मीन्स वायर्ड मीडिया, जिसको हम लोग गाइडेड मीडिया या फिर अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं। वायर्ड मीडिया हो सकता है या फिर वायरलेस मीडिया भी हो सकता है। देन उसके बाद ये NIC लगा होगा, देन उसके बाद पहला ट्रांसमिशन फिर से PC के पास, ये रिसीवर एंड हो सकता है और ये फिर सेंडर सेंड भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ NIC, देर आर टू टाइप्स ऑफ NICs, मीडिया स्पेसिफिक्स एंड नेटवर्क डिजाइन स्पेसिफिक। सबसे पहले आते हैं मीडिया स्पेसिफिक। लैंड कार्ड आर यूज अकॉर्डिंग टू द मीडिया टाइप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द NICs आर यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया। टू कनेक्ट ए स्पेसिफिक मीडिया टाइप, वी मस्ट हैव टू यूज़ NIC विच इज़ पर्टिकुलरली मेड फॉर दैट ऑफ द मीडिया। बहुत सारे ऐसे लैन कार्ड होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट डिफरेंट NIC से कनेक्ट हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर मीडिया से हम लोग को इंटरनेट कनेक्ट करना है या फिर नेटवर्क से जुड़ना है, यहाँ मीडिया स्पेसिफिक मीन्स यहाँ पे हम लोग बोलते हैं वायर्ड या फिर वायरलेस। अगर हम लोग को वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होना है, तो वायरलेस के अकॉर्डिंग हम लोग वायरलेस लैन कार्ड का यूज़ किया जाता है। अगर हम लोग वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो वायर्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग टाइप के मीडिया स्पेसिफिक लैन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक। ए स्पेसिफिक नेटवर्क डिज़ाइन नीड्स ए स्पेसिफिक लैन कार्ड। फॉर एग्जाम्पल, FTDI, टोकन रिंग एंड इथरनेट हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ NIC कार्ड्स। दे कैन नॉट यूज अदर टाइप ऑफ NIC कार्ड्स। यहाँ पे भी नेटवर्क डिज़ाइन स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग हम लोग के पास अलग अलग टाइप के लैन कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, लाइक FDDI के लिए, टोकन रिंग के लिए, इथरनेट के लिए, सबके लिए अलग अलग यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अवेलेबल होता है। वो और अदर डिफरेंट NIC कार्ड्स को यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि वो नेटवर्क डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस NIC को डिज़ाइन किया जाता है। तो NIC की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ इस टाइप के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट NICs आती है।
ये है वायरलेस एनआईसी जिसमें एक एंटीना हम लोग देख सकते हैं, ये टोकन रिंग एनआईसी जिसमें एक सीरियल ट्रांसमिशन पोर्ट होता है और एक RJ45 पोर्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे 1BNC एंड 1RJ45 पोर्ट, ये ईथरनेट एनआईसी है, यहाँ पे ईथरनेट केबल लगता है और यहाँ पे सीरियल ट्रांसमिशन का भी हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है, BNC पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को RJ45 पोर्ट्स मिलता है ईथरनेट एनआईसी, ये हमारे कंप्यूटर में लगता है और पैरेलल पोर्ट्स होते हैं इसमें 4 पोर्ट्स। यहाँ पे सिंगल RJ45 पोर्ट NIC यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये हमारे हर कंप्यूटर सिस्टम में पहले से लगा हुआ हम लोग को मिल जाता है, पहले से हम लोग को ये मदरबोर्ड के अंदर इम्प्लीमेंट पहले से किया होता है। तो ये था पूरा का पूरा NIC के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हब। हब इज़ अ सेंट्रलाइज डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन ए सिंगल लैन नेटवर्क। व्हेन हब रिसीव्स द डेटा सिग्नल फ्रॉम कनेक्टेड डिवाइस ऑन एनी ऑफ द पोर्ट एक्सेप्ट दैट पोर्ट इट फॉरवर्ड्स दो सिग्नल टू ऑल अदर कनेक्टेड डिवाइसेस फ्रॉम द रिमेनिंग पोर्ट्स। यूजुअली हब हैज़ वन और मोर अपलिंक पोर्ट्स डेट आर यूज टू कनेक्ट इट विद द अनदर हब। यहाँ पे जो हब होता है एक ऐसा सेंट्रलाइज डिवाइसेस होता है जो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है सिंगल लैन नेटवर्क पे। लाइक जैसे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं, लाइक जैसे हम लोग अगर स्विच सॉकेट की बात करें, जो इलेक्ट्रिकल स्विच हम लोग के घर पे लगता है उसमें भी पैरेलल सॉकेट्स होते हैं बहुत सारे, तो वो भी एक प्रकार का हब हो गया। अगर हम लोग उसमें वहाँ 3 पिन लगा के हम लोग चला रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का हब हुआ। तो वैसे ही यहाँ पे अगर सिंगल लैन कार्ड है हमारे पास, लैन है, अगर उसको हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे एक हब लगाते हैं जिससे हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक पोर्ट होता है जिससे लैन नेटवर्क कनेक्ट किया गया है उसको छोड़ के बाकी जो पोर्ट्स होते हैं वो सभी रिसीव करते हैं डेटा सिग्नल को। साथ में यहाँ पे जो भी पोर्ट्स होते हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, सारे के सारे अपलिंक पोर्ट्स होते हैं, सारे के सारे अपलिंक पोर्ट्स होते हैं यहाँ पे। देर आर टू टाइप्स ऑफ हब, पैसिव हब और एक्टिव हब। दो टाइप के हब यहाँ पे होते हैं, पैसिव हब और एक्टिव हब। इट फॉरवर्ड्स डेटा सिग्नल इन द सेम फॉर्मेट इन विच इट रिसीव्स देम, इट डज नॉट चेंज द डेटा सिग्नल इन एनी मैनर। पैसिव हब क्या करता है, जो डेटा सिग्नल्स रिसीव कर रहा है वो सेम फॉर्मेट में ही वो रिसीव करेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करता है। एक्टिव हब इट इज़ ऑल्सो वर्क्स सेम एज द पैसिव हब, बिफोर फॉरवर्डिंग द डेटा सिग्नल इट एम्पलीफाइज देम। ड्यू टू दिस एडेड फीचर द एक्टिव हब इज ऑल्सो नोन एज द रिपीटर। जो भी सिग्नल वो रिसीव कर रहा है उसको वैसा फॉरवर्ड करेगा, बस उसको एम्पलीफिकेशन वहाँ पे कर देगा। एम्पलीफाई करने से क्या होगा, सिग्नल थोड़ा बूस्ट हो जाएगा। ये एक प्रकार का रिपीटर जैसा भी बिहेव यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे हमने देखा दो टाइप के हब होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब। तो इस प्रकार के ये रियल में हम लोग को डिवाइसेस देखने के लिए मिलता है, ये होता है पैसिव हब और ये होता है एक्टिव हब। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस पे ब्रिज। ब्रिज इज़ यूज टू डिवाइड ए लार्ज नेटवर्क इंटू स्मॉलर सेगमेंट। बेसिक फंक्शन ऑफ द ब्रिज आर द फॉलोइंग। ब्रेकिंग ए लार्ज नेटवर्क इंटू स्मॉलर सेगमेंट, कनेक्टिंग डिफरेंट मीडिया टाइप सच एज कनेक्ट UTP विथ फाइबर ऑप्टिक, कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर सच एज कनेक्ट इन ईथरनेट विथ द टोकन रिंग। तो यहाँ पे जो ब्रिज होता है वो लार्ज नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है छोटे छोटे नेटवर्क पे। तो यहाँ पे जो बेसिक फंक्शन होते हैं, ब्रेकिंग ए लार्ज नेटवर्क इंटू स्मॉलर सेगमेंट्स, मतलब एक बड़े नेटवर्क को, जैसे मान के चलिए अगर 100 सिस्टम हमारे से नेटवर्क में कनेक्ट है उसको 10-10K में तोड़ सकता है। हम लोग उसको छोटे छोटे 10-10K कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में तोड़ के नेटवर्क बना सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट मीडिया होते हैं लाइक वायर्ड या फिर वायरलेस, अगर हम लोग को वायर्ड एक साथ करना है, वायरलेस को एक साथ करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर हम लोग को कोई ऐसा फाइबर ऑप्टिकल केबल हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर्स सच एज कनेक्ट ईथरनेट विथ टोकन रिंग।
हम लोग यहाँ डिफरेंट आर्किटेक्चर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार का ब्रिज यहाँ पे देखते हैं। ये एक सेगमेंट 1 18 डिवाइसेस है, सेगमेंट 2 19 डिवाइसेस है, सेगमेंट 3 20 डिवाइसेस, सेगमेंट 4 13 डिवाइसेस। इस प्रकार का हम लोग एक छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करके हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं, या फिर एक बड़े नेटवर्क को हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्विच। जस्ट लाइक हब एंड ब्रिज, स्विच इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट द मल्टीपल डिवाइसेस टुगेदर इन ए लैन सेगमेंट। बेसिकली ए स्विच इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द ब्रिज। बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ द ब्रिज, इट ऑल्सो ऑफर्स सेवरल एडिशनल फीचर्स। जैसा ब्रिज या फिर हब होता था, वैसे ही यहाँ पे हम लोग एक नेटवर्किंग डिवाइसेस देखते हैं, स्विच, जिसमें हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं लैन सेगमेंट में। ये एक प्रकार का अपग्रेडेड वर्जन है ब्रिज का, जिसमें हम लोग के पास एडिशनल और फंक्शनैलिटीज मिल जाती है। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्विच इज दैट इट मेक्स स्विचिंग डिसीजन इन हार्डवेयर बाई यूजिंग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यहाँ पे हम लोग को एक एडवांटेज मिल जाता है, जिसके अंदर हार्डवेयर को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग किया जाता है। मतलब जो पोर्ट्स के डिसीजन होंगे, डेटा के डिसीजन होंगे, वो सारे यहाँ पे हार्डवेयर को यूज़ करके किया जाता है, जिसको हम लोग एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। ASIC नाम का यहाँ पे एक सर्किट लगा होता है, जिसके थ्रू ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पाता है। अनलाइक द जेनरिक प्रोसेसर दैट वी यूज इन आवर PC, ASIC आर द स्पेशलाइज प्रोसेसर बिल्ट ओनली टू द परफॉर्म वेरी फ्यू पर्टिकुलर टास्क। यूजुअली द ASIC इन द स्विचेस हैव द सिंगल टास्क एंड दैट इज द स्विचिंग द फ्रेम्स एज फास्ट एज पॉसिबल। यहाँ ASIC जो इंटीग्रेटेड सर्किट इसके अंदर लगा होता है, वो फास्ट स्विचिंग करता है पैकेट टू पैकेट। जो भी पैकेट ट्रांसफ़र होने वाला है, तो वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को बहुत फास्टली मूव करता है, फास्टली इसको स्विच करता है। एन ASIC ऑक्यूपाइड स्विच परफॉर्म दिस टास्क ब्लेजिंगली फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, एन एंट्री लेवल कैटलिस्ट स्विच 2960 कैन प्रोसेस 2.7 मिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड। 2.7 मिलियन फ्रेम्स पर सेकेंड, इतना ज़्यादा फास्ट ट्रांसफ़र हो सकता है इस स्विच में। तो इस प्रकार का हम लोग स्विच देखने मिलते हैं। इसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स, 96 पोर्ट्स, इस टाइप के पोर्ट्स होते हैं। सारे के सारे पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। ये बहुत सारी कंपनीज़ के आते हैं, सिस्को, नेटगियर, कैटलिस्ट, अलग अलग टाइप की कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट आता है मोडेम। इन द सिंपल लैंग्वेज, ए मोडेम इज़ द डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट विद द इंटरनेट। टेक्निकली इट इज़ द डिवाइस दैट इनेबल्स द डिजिटल डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द टेली कम्युनिकेशन लाइन्स। यहाँ पे हम लोग जो मोडेम डिवाइस देखते हैं, ये जनरली इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। टेक्निकली इट इज़ डिवाइस दैट इनेबल्स डिजिटल डेटा टू बी ट्रांसमिटेड ओवर द टेली कम्युनिकेशन लाइन। जनरली कोई भी डिजिटल डेटा जो कंप्यूटर सिस्टम से जनरेट किया गया है, अगर उसको हम लोग को सेंड करना है ओवर द नेटवर्क, तो ओवर द नेटवर्क जो भी मीडिया यूज़ हो रहा है, वायर्ड या फिर वायरलेस, ठीक है, तो वो सारे एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मोडेम का काम होता है, वो एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ए टेलको कंपनी यूजेज एंटायरली डिफरेंट डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम द टेक्नोलॉजी दैट ए PC यूजेज फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। ए मोडेम अंडरस्टैंड बोथ टेक्नोलॉजीज, इट चेंजेस द टेक्नोलॉजी दैट ए PC यूजेज इन द टेक्नोलॉजी विच टेलको कंपनी अंडरस्टैंड। इट इनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन द PC नोन एज DT डिवाइसेज एंड द टेलीकॉम कंपनीज ऑफिस नोन एज DC डिवाइसेज। यहाँ पे जो मोडेम लगा होता है, वो जनरली एक DT डिवाइसेस होता है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग DT डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट हम लोग इसको बोलते हैं, वो जनरली हम लोग मॉडेम को बोलते हैं। तो इसी से ही इंटरनेट हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडेम्स हम लोग देखने मिल जाते हैं। नेट गियर, केबल मॉडेम, USB मॉडेम, ADSL मॉडेम, वायरलेस मोडेम, ठीक है, एक्सटर्नल मोडेम, इंटरनल मोडेम, इस टाइप के अलग अलग टाइप के मोडेम्स यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस गेटवे।
गेटवे इज़ यूज टू फॉरवर्ड द पैकेट्स विच आर जनरेटेड फ्रॉम द लोकल होस्ट और नेटवर्क बट इंटेंडेड फॉर द रिमोट नेटवर्क. इफ अ डेटा पैकेट डज नॉट फाइंड इज डेस्टिनेशन एड्रेस इन द लोकल नेटवर्क देन इट टेक्स द हेल्प ऑफ द गेटवे डिवाइसेस टू फाइंड द डेस्टिनेशन एड्रेस इन द रिमोट नेटवर्क. ए गेटवे डिवाइसेस नोज द पाथ ऑफ द रिमोट डेस्टिनेशन एड्रेस. इफ रिक्वायर इट ऑल्सो चेंजेस द एनकैप्सुलेशन ऑफ द पैकेट सो इट कैन ट्रेवल थ्रू द अदर नेटवर्क सो इट गेट इज डेस्टिनेशन एड्रेस. गेटवे मीन्स क्या होता है, ये जनरली पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए एक डिवाइसेस बनाया गया था. अगर मान के चलिए हमारे पास कोई भी ऐसा लोकल नेटवर्क है जिसमें हम लोग डेटा सेंड करना चाहते हैं और उस नेटवर्क से कोई और दूसरा नेटवर्क यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, लाइक हम लोग सीधी सी बात यह है कि हम लोग अपने नेटवर्क से कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करने वाले हैं दूसरे नेटवर्क में, तो अपने नेटवर्क में ही गेटवे जो होता है किसी एक नेटवर्क को कनेक्ट करता है दूसरे नेटवर्क में और वहाँ से वो पाथ जनरेट करता है. उस पाथ के थ्रू हम लोग एक कोई भी रिमोट लोकेशन तक हम लोग डेटा को सेंड कर पाते हैं. जनरली गेटवे जो होता है आज के डेट में यूज़ नहीं किया जाता है. कुछ इस प्रकार का हम लोग को गेटवे डिवाइसेस देखने के लिए मिलता है जिसमें चार एंटीनास होते हैं और ये जनरली किसी भी रिमोट एरिया के लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा नेटवर्क डिवाइसेस है, रूटर. द रूटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट इस इट स्विचेस द डेटा पैकेट्स बिटवीन दोज नेटवर्क विच आर इधर लोकेटेड इन द डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स और बिल्ट विद द डिफरेंट नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स. जनरली रूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग टू डिफरेंट नेटवर्क को हम लोग जोड़ सकते हैं आपस में, ठीक है. इट स्विचेस द डेटा पैकेट बिटवीन दोज नेटवर्क्स विच आर इधर लोकेटेड विद डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स या फिर कोई अलग अलग लोकेशन में जो नेटवर्क बने हुए हैं उसको आपस में जोड़ने का काम करते हैं. जस्ट लाइक इंटरनेट में हम लोग कोई इंडिया का नेटवर्क है, कोई अमेरिका का नेटवर्क है, कोई यूरोप का नेटवर्क है, इस टाइप से अगर कोई अलग अलग डिफरेंट लोकेशन के अगर हम लोग को नेटवर्क को जोड़ने तो वहाँ पे हम लोग रूटर को यूज़ में लाते हैं. व्हेन ए रूटर रिसीव्स ए डेटा पैकेट ऑन एनी ऑफ इट्स इंटरफेस इट चेक्स द डेस्टिनेशन एड्रेस ऑफ दैट पैकेट एंड बेस्ड ऑन दैट डेस्टिनेशन एड्रेस इट फॉरवर्ड्स दैट डेटा पैकेट फ्रॉम द इंटरफेस विच इज़ कनेक्टेड विद द डेस्टिनेशन एड्रेस. कोई भी डेटा पैकेट जो रिसीव कर रहा है वो एक इंटरफेस से गुजरेगा और वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसका, ठीक है. डेस्टिनेशन एड्रेस के हिसाब से वो अपने डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड कर देगा उस डेस्टिनेशन एड्रेस तक. टू फॉरवर्ड ए डेटा पैकेट टू इट्स डेस्टिनेशन रूटर कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द कनेक्टेड नेटवर्क्स. दीज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन इन अ डेटाबेस टेबल नोन एज द रूटिंग टेबल. रूटिंग टेबल कैन बिल्ड स्टैटिकली और डायनामिकली. जितने भी डेटा पैकेट सेंड होते हैं सबके सब जो रिकॉर्डेड होते हैं उसको हम लोग एक टेबल पे रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूटिंग टेबल. और रूटिंग टेबल स्टैटिकली और डायनामिकली दोनों पॉसिबल हो पाता है रूटर की हेल्प से. तो रूटर जो होता है वो डेटा पैकेट को सेंड करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन तक डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में और जितने भी पैकेट्स वो सेंड करता है रिसीव करता है सबके रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है. सभी के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा, साथ में एक रूटिंग टेबल बनाता है जिसके अंदर पूरे के पूरे हम लोग को रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं. तो रूटर अगर हम लोग देखें तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को रूटर मिल जाता है जिसके अंदर सीरियल पोर्ट्स मिलते हैं हम लोग को, सीरियल 0, सीरियल 1, इस टाइप का हम लोग को ब्रिज, कंसोल, ऑक्स का, इस टाइप का हम लोग को यहाँ पे पोर्ट्स मिल जाते हैं. ओके, थैंक यू.